व्यूअर्स, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई के बारे में। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाने की, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ रीजन की वजह से उनकी सप्लाई या तो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। तो टेंशन में आ जाना ये स्वाभाविक है, पर माएं टेंशन ना करें, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और आज वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप वो कौन सी चीज कर सकते हो जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इंक्रीज होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर लगे कि आपको ये वीडियो में आपके लिए कुछ भी जानकारी का है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड। आप अपने बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि हमारे बॉडी को एक जानकारी की जरूरत है कि आपके बच्चे के लिए कितना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई होना जरूरी है। तो आप जितनी बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाओगे, उतना टाइम बॉडी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करेगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना, और इससे बच्चे का भी हेल्थ और वेल्थ में फर्क पड़ेगा, ये आप खुद ही देख पाओगे। तो फ्रीक्वेंटली आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाइए, इसके आपके सप्लाई पे बहुत इफेक्ट आएगा। दूसरा है पानी। मम्मीज, आप जानते हो शायद कि ब्रेस्ट मिल्क का जो 70-80% होता है वो पानी से ही बनता है। तो अगर आपके बॉडी पे पानी की डिफिशियंसी होगी, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं कर पाएगी। और ज्यादातर मम्मी के साथ ये चीज होती है कि उनको कफ और कॉफ की शिकायत हो जाती है और उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस चीज का सोल्यूशन भी पानी है। तो आप भर के पानी पीजिए, ठंडा पीना है ठंडा पीजिए, गर्म पीना है गर्म पीजिए, आपको ग्लास से पीना है, आपको बॉटल से पीना है बॉटल ले लीजिए और गटाक से पी जाइए, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे पीजिए, पर 8-10 ग्लासेस डेली पानी पीजिए। अगला टिप है डाइट चार्ट। आप ये स्वाभाविक है एक माँ के लिए कि डिलीवरी के बाद अचानक से एक बच्चे की नन्ही सी जान की जिम्मेदारी आप पे आ जा रही है, तो आपका खुद के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, खुद के ऊपर ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मम्मी आपको ये करना है, क्योंकि ये आपको अपने बच्चे के लिए करना है। आप डेली प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, जो जो एसेंशियल्स है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए, आप वो डेली इंटेक करो। आप एक चार्ट बना लो, आप अपने हफ्ते के हिसाब से एक चार्ट बना लो कि आपको इस दिन ये खाना है, उस दिन वो खाना है। आप ऐसे चार्ट बना सकते हो, उस हिसाब से आप खाना खा सकते हो। और आप कोशिश करो कि आपके डाइट चार्ट में ये हर चीज इंक्लूड हो, प्रोटीन भरपूर हो आपके डाइट में। आप हर चीज में अपने डाइट का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके डाइट से ही ब्रेस्ट मिल्क बनता है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी उससे बनती है, और बच्चे का वेल्थ और हेल्थ भी आपके ही ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। अगला है आयरन रिच फूड। ये अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी के बाद मम्मियों के बॉडीज में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, और ये नेचुरल है। इसलिए आप आयरन रिच फूड का इंटेक कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन करता है, आयरन उसे एक बूस्ट देता है, उसको प्रमोट करता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए। तो आप आयरन रिच फूड का इंटेक कीजिए, इससे भी आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे बहुत इफेक्ट करेगा। अगला है, मैं आपको कुछ ऐसे खाने के नाम बताऊंगी, कुछ ऐसे फूड वेजीज के नाम बताऊंगी जिससे ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई पे बहुत इफेक्ट करता है। ये मेरे साथ हो चुका है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मेरे बच्चे का मतलब 4 महीने उम्र था, तो उस वक्त मेरी सप्लाई अचानक से कम हो गई थी और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी, तो आज वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगला है लौकी। लौकी में जो एसेंशियल्स होते हैं वो एक ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। तो आप लौकी डेली इंटेक करें, ताकि आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई पे वो इफेक्ट हो। सेकेंड है दलिया। दलिया में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब चीज है जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए जरूरी है। तो आप दलिये को रोज अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। आप दलिये की खिचड़ी बना सकते हो, सूप बना सकते हो, आप दलिये को दूध के साथ खा सकते हो, आप जैसी मर्जी दलिये को लीजिए, पर
दलिया आपने डेली खाने में इंटेक कीजिए। अगला पॉइंट है घी। घी में जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे बॉडी को रिकवरी होने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे स्टिचेस होते हैं, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, और हमारी हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स है वो मतलब इधर उधर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसको भी ये रिवर्स करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को भी रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप डेली घी इंटेक कीजिए अपने खाने में, तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छे से हील होती है, और जितनी अच्छी और जितने जल्दी हमारी बॉडी रिकवरी होगी उतनी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई करता है उसी वक्त जब हम रेस्ट पे रहते हैं। तो आप जितनी जल्दी रिकवरी होगी उतनी जल्दी ही आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई पे वो इफेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है जीरा। जीरे में जो प्रॉपर्टीज होती है वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए बहुत अच्छा है, यकीन मानिए जीरा ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को एक बूस्ट देता है, मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब रात जब मेरा उस दौर चल रहा था तो मैं क्या करती थी, रात को एक गिलास गर्म दूध लेती थी, उसमें जीरे का पाउडर डाल देती थी और रात को उसको पी के सो जाती थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैजिकल जैसा काम करता था। रात को मेरा बेटा ब्रेस्ट फीड करता था उठ उठ के दो बार तीन बार, तो बहुत मैसिव मुझे इफेक्ट लगा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे। तो आप जीरे का डेली इंटेक कीजिए, आपको छौका लगाना है छौका लगाइए, आप चाहो तो जीरे का पाउडर बना के खा सकते हो, आप डेली अपने डाइट में जीरे को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप लो, पर जीरा डेली अपने डाइट में जरूर शामिल करो। अब लास्ट है कि आप अपना पूरा ध्यान रखो, ये तो मैंने पहले ही कहा कि आप अपने डाइट का भी ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो, क्योंकि आप जितना रेस्ट पे रहोगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई कर पाती है, क्योंकि आप जब थकते हो तो आपकी बॉडी भी थकती है और ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में वो रुकावट पैदा करता है। तो मम्मी जब आपका बच्चा नैप लेता है छोटा छोटा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो छोटी छोटी नैप लेता है, तो आप कोशिश करो उसके साथ एक छोटी छोटी नैप लेने की, ताकि आपका बॉडी भी रेस्ट उसे मिल सके और आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी बहुत अच्छे से हो। ये सब चीज करने के बावजूद भी अगर आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसका नाम है लैक्टोनिक ग्रैन्यूल्स। ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करता, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो शतावरी है, जीरा है और पालंग है। मैंने पहले ही कहा कि जीरा एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए, तो आप इसको ले सकते हो। इसमें एक स्कूप भी आता है, तो आपको मेजरमेंट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप डेली इसको 2 times ले सकते हो, सुबह और शाम को, पर कोशिश कीजिए जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो उससे थोड़ा टाइम पहले इसको ले, ताकि इसका इफेक्ट अच्छा हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके काम का है, तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से आऊंगी एक नया टॉपिक लेके, एक नया डिस्कशन लेके। तब तक खुद का ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। टेक केयर मम्मीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।